गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बहुत तो अभी सुबह सैंडविच बनाए थे मैंने, बेटे ने काफी हेल्प कर दी थी उसने, क्योंकि अभी बहू गई हुई है तो थोड़े थोड़े काम में बेटा बहुत हेल्प करता है, ये भी करते हैं हेल्प। तो सुबह बनाए थे हमने सैंडविच बनाए थे आलू वगैरह भर के। अभी बना रही हूँ मैं बैंगन का भरता और रोटी बनाऊंगी बस, फिर इतना हल्का फुल्का ही खाते हैं बच्चे भी। मैंगो शेक करूंगी तो कर लूंगी, डेली ही बनता है वो तो मैंगो शेक भी बना लूंगी और ये बैंगन का भरता बना रही हूँ। बाकी काम हो गया, बच्चे नहारे हैं, फिर वही मेरा रूटीन वही रहेगा अभी जब तक बच्चे मेरे पास हैं। और बच्चों की अब छुट्टियां ही समझो हैं, तो वो तो कहते हैं हम तो जाएंगे ही नानी के यहाँ से। उनकी मम्मियाँ खूब याद कर रही हैं उनको, लेकिन वो कहते हैं हम तो यहाँ से जाएंगे ही। तो बस मेरा भी बिजी दिन निकलता है तो मैं बना रही हूँ बैंगन का। तैयारी कर लिया मैंने इसकी, बैंगन तो भून लिया था गैस में मैंने, तेल लगा के भून लेती हूँ, इससे इसका छिलका आराम से निकलता है। अब टमाटर काट के, हरी मिर्ची काट के और इसको छौंक दूंगी। तो अब बर्तन सारे सेट करूंगी। रसोई अभी मेरी बहुत ही मैसी हो रही है, एक दिन इसको साफ करके और फिर इसका आपको ट्यूर करवाऊंगी ज़रूर। अभी बहुत फैल रही है और काम करने में भी बहुत दिक्कत होती है मुझे, तो बस बर्तन जमा रही हूँ और उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी और बच्चों को खाना खिला के और फिर हम लोग सब रेस्ट करेंगे। बर्तन सब जमा दिए मैंने, अब बनाऊंगी मैं रोटी। अब बज गई थी 4 और मैंने बनाया बच्चों के लिए केक। आटे का केक बनाया जिसमें मैंने 1 गिलास दूध डाला, दूध मीठा था काफ़ी, जैसा हम पीते हैं वैसा मीठा दूध था उसमें। फिर मैंने घी डाला, घी डालकर थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिया, मीठा सोडा ही था मेरे पास। और फिर मैंने इसको चढ़ा दिया कढ़ाई में, कढ़ाई में मैंने नमक डाल दिया था और उसको गर्म कर ली थी, कढ़ाई को पहले से ही गर्म कर ली थी। और फिर उसमें इसे 45 मिनट के लिए रख दिया था। पहले मैंने इसमें वो लगा लिया था मैदा, घी लगाकर बर्तन में मैदा लगा लिया था, उसके बाद मैंने स्टोव को भरा था और नमक में रख दिया था, गरम जो नमक हो गया था कढ़ाई में उसमें रख के। ये देखिए मैंने इसको आटा लगा दिया था, घी लगाकर आटा ही लगा दिया था, मैदा नहीं था मेरे पास, आटा ही लगा दिया था। और फिर इसमें पूरा ये जो बैटर है वो डालकर और मैंने इसको कढ़ाई में 1.5 घंटे के लिए रख दिया था और केक तैयार हो गया था। और फिर मैंने चाय बनाई, चाय के साथ बच्चों ने केक काटा और खाया। तो अभी ये बनेगा, 1.5 घंटे के लिए रख दूँगी। ऊपर से मैंने इसमें बादाम डाल दिए, अभी मेरे पास बादाम ही थे तो बादाम डाल दिए और फिर ये 1.5 घंटे के लिए रख दिया। चाय बन चुकी है मेरी और केक भी तैयार हो गया है। चाकू डाल कर देखा तो ये तैयार हो गया है, चाकू बिल्कुल साफ आ गया। और फिर बस इस केक को मैंने एक प्लेट में उल्टा किया और फिर ठंडा होने के बाद उल्टा कर दिया और फिर ये अच्छा सा बाहर निकल गया। और उसके बाद
मैंने बच्चों को दिया काटने के लिए। बच्चे बड़े खुश हुए, बच्चों की मन की करते रहो तभी वो नानी के पास रहते हैं, तो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, बस मैं वही करती रहती हूँ जो वो कहते हैं, और इसी कारण वो बच्चे नानी के पास रहते हैं ज़्यादा। तो आपके बच्चे भी ऐसे ही रहते होंगे दोइता दोइती, तो बताइएगा किस किस के घर में दोइता दोइती रहते हैं और ऐसे शैतानियाँ करते रहते हैं।